Hi viewers, in this video we are going to learn about document creation in Microsoft Word. तो viewers, इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो है इसमें हमने आपको Microsoft Word का जो इंटरफेस है उससे आपको इंट्रोड्यूस किया था. अब इस वीडियो में हम आपको Microsoft Word में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना सिखाएंगे कि किस तरह एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है और इसमें टेक्स्ट जो है उसको किस तरह एंटर किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये मैंने ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन किया है और यहाँ पर मैं जो है कुछ टेक्स्ट जो है वो एंटर करूँगा. तो आप स्टार्ट में जो देखें कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये प्रिंट जो लेआउट है ये व्यू में आप आए और यहाँ से प्रिंट लेआउट जो है वो आप सेलेक्ट करें. तो प्रिंट लेआउट ये मैंने जूम किया हुआ है 180%. अगर आप इसको कम करना चाहें ये देखें इस तरह आप कम कर सकते हैं. तो इसका साइज़ मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है कि आपको स्क्रीन पर सही दिखाई दे. तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से जो है कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप टाइप करना चाहें तो वो आप टाइप कर सकते हैं. जैसे मैं टाइप करने लगा हूँ QUICK क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. इस तरह कोई भी टेक्स्ट आप जो है वो आप एंटर कर सकते हैं. मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ. आप इसको सेलेक्ट कर लें और डिलीट कर लें. पेस्ट. ये मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है. आप ये टेक्स्ट जो है आप प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी कर लें. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो सिंबल्स हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स सपोज आप यहाँ पर आप अपना नेम लिखें कंप्यूटर गीक. अब यहाँ पर आप इंसर्ट में आए और सिंबल्स जो है इसका डाउन ड्रॉप जो है आप क्लिक कर लें. यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट जो आपने यूज़ किए होंगे सिंबल्स वो यहाँ पर आ रहे होंगे. अगर आपको यहाँ पर अपना जो सिंबल है वो आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप मोर पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप जो मैं यूज़ करता हूँ वो अक्सर जो सिंबल्स होते हैं वो आप यहाँ पर विपडिंग्स या विंडिंग्स जो फॉन्ट्स है ये फॉन्ट टाइप यहाँ से आप नीचे सेलेक्ट कर ले. तो देखिए ये विंडिंग्स हैं और ये वेबडिंग्स हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स हैं. देखिए वेबडिंग्स में बहुत सारे सिंबल्स हैं. ऑलमोस्ट ऑल सिंबल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप ये क्लिक कर दें. अगर आप ट्रेडमार्क इस तरह ये रजिस्टर्ड बहुत सारे सिंबल्स हैं वो अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो मैं कॉपीराइट का जो सिंबल है ये मैं इंसर्ट करने लगा हूँ. ये देखें और इस तरह आप इसको क्लोज़ कर दें. तो इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में सिंबल्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिंगल सिंबल्स. अब ये एक और सिंबल जो है आप मोर में आए और यहाँ पर ये ट्रेडमार्क का रिसेंटली यूज्ड सिंबल जो है ये यहाँ पर दिखाई देंगे. आप ट्रेडमार्क अगर आप इंसर्ट करना चाहें इस तरह आप ट्रेडमार्क का भी कर सकते हैं. तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंबल्स जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. शो हाइड करेक्टर का एक ऑप्शन है. आप होम में आए ये देखें होम में और माइक्रोसॉफ्ट में जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप कोई टेक्स्ट जो है वो आप टाइप करते हैं. जैसे अब मैं एक टेक्स्ट जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ दिस इज सम टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट और इसके बाद मैंने अब मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर दिस इज सम मोर टेक्स्ट. अब देखें यहाँ पर अब आप टैब जो है अपने कीबोर्ड पर अगर आप टैब जो की है ये राइट हैंड साइड पे होता है और तो आप टैब प्रेस करें. ये देखें टैब ये अब यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट करना टाइप करूँगा दिस इज टेक्स्ट आफ्टर प्रेसिंग
टैब की ऑन की बोर्ड। अब ये देखें यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टाइप किया है और यहाँ पर स्पेसेस हैं, देखें दिस इज़ के बीच स्पेस है, इज़ और सम के बीच स्पेस है। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया है और यहाँ पर ये जो दिस इज़ सम टेक्स्ट है और दिस इज़ टेक्स्ट आफ्टर प्रेसिंग टैब की ऑन द कीबोर्ड। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ करेक्टर्स हैं, जो हिडन करेक्टर्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में, वो अगरचे आपका डॉक्यूमेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते, तो उन करेक्टर्स को शो करने के लिए हमारे पास ये जो सिंबल है, यहाँ पर आप आएँ, ये होम में आप आएँ और होम में ये जो पैराग्राफ का ग्रुप है और ये यहाँ पर ये जो आइकन है शो हाइड, ये देखें जो आपको टूल टिप दिखा रहा है शो हाइड, और कंट्रोल स्टार से, कंट्रोल प्लस स्टार से आप ये जो है ये शो कर सकते हैं। देखें तो मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखें यहाँ पर कंप्यूटर की के बाद ये देखें ये यहाँ पर टीएम के बाद मैंने एंटर प्रेस किया था तो ये एंटर का सिंबल है। और अगर आप नोटिस करें तो कंप्यूटर और गीक के बीच या दिस इज़ के बीच ये जो डार्ट है ये स्पेस को शो करता है, ये जो करेक्टर है ये एंटर को शो करता है और ये जो डार्ट है ये स्पेस को शो करता है। अब टैब के करेक्टर के लिए जो राइट साइडेड एरो है ये जो है ये टैब को शो करता है। तो इस तरह से अगर आपको कोई लाइन जो है इसको ब्रेकअप करना हो टू लाइंस पर, इसका मतलब ये है कि एक लाइन है आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन आपका ख्याल हो कि वो जो लाइन हो कंप्यूटर उसको एक लाइन के तौर पर ट्रीट करे, तो इसके लिए अगर हमारे पास जो कंप्यूटर कीबोर्ड जो है उस पर आप शिफ्ट और एंटर को प्रेस करें, देखें और इसके बाद आप दिस इज सम टेक्स्ट आफ्टर प्रेसिंग शिफ्ट एंड एंटर की। तो ये देखिए ये जो सिंबल है ये सिंगल लाइन जो है ब्रेक उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बाद में जब हम एडवांस जो लेसन इसके हैं इस सीरीज़ के, ये उस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी ये चीज़ें, इसलिए आपके जहन में ये रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी हम करेक्टर्स टाइप करते हैं वो कुछ करेक्टर्स जो है वो शो होते हैं जिस तरह ये जो टेक्स्ट है, और कुछ जो करेक्टर्स हम टाइप करते हैं जिस तरह स्पेस जो है आपके कीबोर्ड पर या फिर एंटर जो है या फिर जो सिंगल लाइन टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अगरचि दिखाई नहीं देती लेकिन ये डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होती है। अब इसको आप ये जो करेक्टर्स है अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो आप यहाँ पर आकर इसको टॉगल करें या इसको प्रेस करें, तो ये देखें ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये हाइड हो गए हैं। अगर आप इसको शो करना चाह रहे हैं तो ये देखें शो रहे हैं और ये फिर हाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो जो अन जो हिडन करेक्टर्स हैं उसको आप शो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप पेज ब्रेक जो है वो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ले सपोज यहाँ पर ये यहाँ के ये जो कंप्यूटर गीक है इसके बाद मैं इस पेज को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो आप इसके बाद एंटर करें और यहाँ ये और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं दो जो पेजेस हैं टू पेजेस पर मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो आप इंसर्ट में आएँ और फिर ये देखें आप जो पेज ब्रेक है ये वाला ब्लैंक पेज नहीं, ये जो पेज ब्रेक है वो आप इंसर्ट करें, ये देखें इस तरह से ये दोनों के बीच जो है इसने ब्रेक जो है इंसर्ट कर लिया है। अब ये पेज वन पे है, ये देखें यहाँ पर जो आपका स्टेटस बार है 1 of 2 और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या 2 of 2। तो इस तरह से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस को जो ब्रेक करना चाह रहे हैं, एक पेज को दो पेजेस में ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला जो पेज ब्रेक वाला ऑप्शन है ये आप यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो सम टेक्स्ट है इसको अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो आप ये जो सम है इसको आप इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो सम है इसके एंड में अगर आप जो है वो क्लिक कर दें और बैक स्पेस के ज़रिए आप जो है टेक्स्ट को जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं।
अब मैं कंट्रोल जेड से वापस ये जो है अंडू करूँगा ये। अब टेक्स्ट पे अगर आप डबल क्लिक करें, टेक्स्ट से ये जो सम है अगर इस पर डबल क्लिक करें तो आप जो पूरा वर्ड है ये आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फिज़िकल है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फिज़िकल वर्ड जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा जो सेंटेंस है ये देखिए, सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर आप पूरा सेंटेंस जो है वो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ सॉरी कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखें कंट्रोल और फिर यहाँ क्लिक, तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब मैं जो इम्प्रूव है इस वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये इम्प्रूव जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं अब यहाँ पर इनहेंस लिखूँगा, इनहेंस। और इसके अलावा आप ये जो प्लैंक एरिया है ये देखें, यहाँ पर ये बार है, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर आपका जो कर्सर है ये बार का की शक्ल में है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे जो लेफ़्ट मोस्ट साइड है तो ये देखें ये वाइट जो एरो है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ये देखें पहला वाला जो लाइन है ये सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तीसरा, तो सिंगल क्लिक के ज़रिए आप पूरा जो लाइन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप पूरा पैराग्राफ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें सिंगल क्लिक के थ्रू आप सिर्फ सिंगल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो पूरा जो पैराग्राफ है टेक्स्ट का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये सिंगल क्लिक और ये डबल क्लिक। अगर आप पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप शॉर्टकट जो है वो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल ए। अपने कीबोर्ड पर आप कंट्रोल और ए को एक साथ जो है वो आप प्रेस करें तो आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में अगर आप टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एक वर्ड को अगर आप किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें हम जो सम है ये देखें सम, इसको हम सम टेक्स्ट, तो हम सम टेक्स्ट को मोर टेक्स्ट से या फिर जिस तरह ये समथिंग है ये देखें समथिंग, इसको हम एवरीथिंग से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ऑप्शन मौजूद है। आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में क्लिक कर लें और होम में आप आ जाए, ये जो होम टैब है और यहाँ पर रिप्लेस जो है ये फाइंड के नीचे रिप्लेस है, यहाँ पर आप ये क्लिक कर दें तो ये लिखा है फाइंड वर्ड, तो हमें जो भी वर्ड हमें रिप्लेस करना होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सम को रिप्लेस करेंगे SOME, जिस वर्ड को हम रिप्लेस करना है SOME, और इसको रिप्लेस करेंगे हम सम को हम फर्ज करें मोर से रिप्लेस करना चाह रहे हैं MORE। तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे तो जो पहला स्टार्ट में जो उसको सम मिलेगा वो उसको मोर से रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी सम होगा ये इसको मोर से रिप्लेस करेगा। अब लेट सपोज मैं एक इंस्टेंस जो है पहला वाला जो इसको मिल जाए उससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर दें, ये देखें पहला इसको एंड सम, तो ये समथिंग है, इसको मोर थिंग से मैं रिप्लेस नहीं करना चाह रहा तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूँगा। अब इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर समथिंग था तो मैंने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं दिस इज़ सम टेक्स्ट तो ये मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप इस पर रिप्लेस पे क्लिक कर दें, ये देखें दिस इज़ मोर टेक्स्ट। अब इसने नेक्स्ट जो इसको मिला है वो ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो ये देखें मोर मोर, इसने सम को मोर से रिप्लेस किया है। अब ये एक और आगे वाला जो सम है उस पर चला गया है, अब आप रिप्लेस कर दें तो ये आपको ये डायलॉग बॉक्स जो है दिखाएगा कि वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि इसने सारे जो सम है इसको मोर से रिप्लेस किया है सबको। अब अगर मैं ये मोर को मैं सम से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ वापस तो यहाँ पर मैं मोर लिखूँगा MORE और यहाँ पर इसको मैं सम लिखूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूँगा, ये देखें इसने ऑल डन, वी मेड फोर रिप्लेसमेंट्स, ओके। अब ये देखें ये इसने वापस जो है सम को मोर से रिप्लेस किया है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी ऑफिस जो एप्लीकेशन है जैसे एक्सेल है या फिर पावर पॉइंट है उसमें आप किसी भी वर्ड को किसी दूसरी वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कॉपी पेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह आप टेक्स्ट को एक जगह से
दूसरी जगह तक कॉपी या फिर कट जो है वो आप कर सकते हैं। लेट सपोज ये जो पहला वाला सेंटेंस है इसको मैं एंड में, इस डॉक्यूमेंट के एंड में मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आप जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेंटेंस है इसको इसको अगर आप कॉपी करना चाहें तो आप कंट्रोल और क्लिक करें। जो वीडियो है उसके स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था किस तरह सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल क्लिक के ज़रिए आप ये जो पूरा सेंटेंस जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें स्टार्ट में और इसको ड्रैग कर दें, जो लेफ़्ट की है माउस की उसको प्रेस करते हुए अगर आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करना चाह रहा हूँ यहाँ तक। अब कॉपी का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी कॉपी हो, तो जिस तरह कॉपी किसी चीज़ को हम करते हैं तो इस तरह ये करेगा। आप राइट क्लिक करें और कॉपी करें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन है, होम में क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये जो कॉपी है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये राइट क्लिक से लोग अक्सर करते हैं, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और कंट्रोल वी। ये देखें ये सेंटेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ये जो है ये कॉपी हो गया है। अब कॉपी के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल और सी को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। अब लेट सपोज ये वाला जो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ और डॉक्यूमेंट के एंड में मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो इसको अभी आप हाईलाइट कर दें या फिर जो कंट्रोल क्लिक है उसके ज़रिए पूरा सेंटेंस जो है ये आप हाईलाइट कर दें और यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। इस तरह ये राइट क्लिक और ये कट आ जाएगा, या यहाँ से आप जो है ये जो ग्रुप है आप इस टाइम में यहाँ से करूँगा तो आप कट कर दें। ये यहाँ से कट मतलब यहाँ से चला गया है और यहाँ पर जो है मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप राइट क्लिक कर दें और पेस्ट जो कर दें। ये देखें पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है ये वाला मैं यूज़ करूँगा। आप यहाँ से करें या फिर आप यहाँ से पेस्ट कर दें तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट होके यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं और बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये राइट क्लिक वाला है। जैसे ये वाला सेंटेंस है तो ये कट और कॉपी, ये देखिए कट और कॉपी, और ये वाला जो ऑप्शन है कि पेस्ट वाला, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने टेक्स्ट को एडिट करना सीखा और टेक्स्ट को रिप्लेस करना सीखा, और इसके बाद हमने पैराग्राफ मार्क्स जो है यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है कि शो पैराग्राफ मार्क्स और हाइड जो है पैराग्राफ मार्क्स, ये हमने सीखा। इसके बाद हमने लाइन ब्रेक जो है वो शिफ्ट एंटर के थ्रू, इस तरह ये देखें ये लाइन शिफ्ट और एंटर, ये देखें शिफ्ट एंटर आप प्रेस कर दें तो ये अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये टू लाइन्स पर है लेकिन ये एक्चुअली एक ही लाइन है। इसके बाद हमने पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट करना सीखा। अब ये पेज ब्रेक अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ इसके बाद, तो ये इंसर्ट और पेज ब्रेक, ये देखें पेज ब्रेक जो है ये इसने इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हमने जो किसी वर्ड को रिप्लेस करना सीखा, हमने होम में यहाँ पर ये देखें ये रिप्लेस के थ्रू हमने कुछ वर्ड्स को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना सीखा, और लास्ट में हमने जो कट और कॉपी के ऑप्शन हैं और जो पेस्टिंग के ऑप्शन हैं वो करना आपको सिखाया। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब ये स्टार्ट के वीडियोस हैं, जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो इससे थोड़े से एडवांस होते जाएंगे, तो आप कीप वॉचिंग और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको इन वीडियोस में कोई मसला आ रहा हो। थैंक यू सो मच।